हाँ जी बेटे, अम्मा नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब बेटे पहले अपन ये चैप्टर की तरह रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स, प्लांट्स का अपना प्लांट फिजियोलॉजी जो एक ही चैप्टर रह गया दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो अपन लेटर ऑन करांगे, वी विल डू दैट लेटर ऑन। इस चैप्टर के नोट्स मैं थोड़ा मंडे तक प्रोबेबली आई प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। इट इज फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, हूँ आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही तीन चैप्टर कंटिन्यूअसली करांगे, पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर आप करांगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर केमिकल इंटेग्रेशन, तीनों चैप्टर्स यू विल गो इट फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। हूँ बेटे फर्स्टली अपने को एज वी ऑल डू एवरी चैप्टर के अंदर आप सब तो पहले चैप्टर का ही मतलब समझने की कोशिश करते हैं, है ना, चैप्टर के नाम का मतलब की है। दो वर्ड्स है, एंड का मतलब तो यू ऑल नो, है ना, दो वर्ड्स ने, फर्स्ट इज लोकोमोशन, सेकंड है मूवमेंट। या मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, मूवमेंट की है बेटे, एक जगह ते खड़े होके जो भी आप अपने आर्म नो हिला रहे हैं, अपनी टंग बाहर निकाल रहे हो, आईज ब्लिंक कर रहे हो, दे ऑल आर द मूवमेंट्स। ठीक है, जब आप एक जगह पे खड़े होके कोई भी बॉडी दे पार्ट दे अंदर शेकिंग या मिक्सिंग कुछ भी चल रहा है, दैट इज द मूवमेंट। जदों आपां एक प्लेस तो दूसरे प्लेस तक पहुंच जाने हैं दैट इज कॉल्ड एज लोको मोशन। ठीक है, अपने को चैप्टर दे ही दो पार्ट्स दे अंदर आपां चैप्टर नूं डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट दे अंदर आपां लोको मोशन पढ़ांगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ांगे, उहदे अंदर आपां जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स पढ़ांगे, एक पार्ट दे अंदर आपां पढ़ांगे मूवमेंट्स की हुंदियां ने। ठीक है, तो लोको मोशन की है, एक ब्रॉड टर्म है जिदे अंदर अपनियां मूवमेंट्स ने जिहड़ियां ओह आ जांदियां ने। ठीक है, तां ओवरऑल लोकोमोशन दा मतलब की होगा किसी पार्ट दा हिलना, एक जगह तो दूसरी जगह ते पहुंचना। तां हुण आपां फर्स्ट वी विल गो विद द मूवमेंट्स, फर्स्ट वी विल गो विद मूवमेंट्स, लोकोमोशन है जिहड़ा इहदी डेफिनेशन इन ब्रॉड वे आपां लेटर ऑन करांगे। ठीक है, तो लोकोमोशन वर्सिज मूवमेंट दे अंदर की आ गया, आपां इन्हां दोनों टर्म्स नूं सेपरेट नहीं कर सकते हैगे, तो ये दोनों ही टर्म्स की ने एक दूसरे दे पूरक ने। क्यों पूरक ने बेटे, क्योंकि देखो मूवमेंट्स ने जिहड़ियां ओह भी देखो प्लांट्स ने जिहड़े ओह लोकोमोट नहीं कर सकते, बट उन्हां दी बॉडी दे अंदर मूवमेंट्स तो हो रही हैं ना एक जगह ते ही खड़े खड़े, जिहड़ा वाटर है, मिनरल्स ने ओह एक जगह तो सारे प्लांट्स दे पार्ट्स तक पहुंचने ने, तो प्लांट दी बॉडी दे अंदर भी तो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, दे आर द टर्म्स रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि वो बॉडी दे ही पार्ट्स दे नाल रिलेटेड ने। तो अपने कोल की आ गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द मूवमेंट फ्रॉम द लोकोमोशन, तो लोकोमोशन की हो गया, इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मूवमेंट इनवॉल्व्स द मस्कुलर मूवमेंट्स, एंड अपने कोल की आ गया लोकोमोशन है जिना दैट इज रिलेटेड विद द स्केलेटल। मैं स्टार्टिंग च भी थोनू कहता कि लोकोमोशन दे अंदर आपा अपनियां बोन्स बारे पढ़ांगे, आपा किवें अपनियां अपर लिम्स लोअर लिम्स ने जिहड़ियां उहनां दे अंदर किवें किवें दीआं बोन्स प्रेजेंट ने ओह आपा पढ़ांगे लोकोमोशन दे अंदर। फर्स्ट पोर्शन है जिहड़ा दैट इज अवर मूवमेंट्स। ठीक है, तो आपा मूवमेंट्स, मूवमेंट्स की है बेटे, द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजिशन बाय द एंटायर बॉडी और बाय वन और मोर ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, अपनी एंटायर बॉडी दे अंदर कोई चेंज आना या उहदे एक पार्ट दे अंदर कोई चेंज आना दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट। क्लियर, मतलब आ दिस इज व्हाट, दिस इज मूवमेंट, टंग बाहर निकालना मूवमेंट है, आईज ब्लिंक करना मूवमेंट है, तो बॉडी दे अंदर चेंजेस आना लाइक हार्ट, अपने को रोटेशन ऑफ आईबॉल, हार्ट बीट है जेड़ा, स्विमिंग बाय द फिश, तो ये अपने को किया गया, दीज आर द मूवमेंट्स। क्लियर है, मूवमेंट्स ने जेड़ियां बेटे ये दो तरह दियां ने, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। मूवमेंट्स
आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोनॉमिक ठीक है और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होंदियां ने जो लिविंग बींग्स के अंदर होंदियां ने, दे आर कॉल्ड एज द ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, जो अपने एफर्ट दे नाल अपनी बॉडी के अंदर होंदियां ने। इंड्यूस्ड हो गया जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट्स होंदियां ने, दे आर कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड। मान लो सपोज तुसी फैन ऑन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी दोगे ताही ऑन होगा, या फिर तुहानू लक्कड़ पकड़ के घुमाना पौगा, देन दैट इज इन बोथ द वेज दैट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट। ठीक है, तो अपने को ऑटोनॉमिक मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट। ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ नॉन लिविंग सिस्टम्स आर कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मूवमेंट्स, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। एंड मूवमेंट्स और एफर्ट्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है जेड़ा वो होंदा है। हुण आपां अपने हार्ट नूं बाहरों दी तां नहीं कहिंदे ना, कोई मशीन तां नहीं लगांदे वी हार्ट टू बीट कर, किडनी टू फिल्टर करना स्टार्ट कर दे, मैं बाहरों दी कोई छन्नी तां नहीं लगाई हुई ना बॉडी दे अंदर, बॉडी अपने आप ही कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोनॉमिक मूवमेंट और द सेकेंड इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड। ठीक है, द मूवमेंट्स इन द नॉन लिविंग जिन्हां लई एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड हुंदियां ने उन्हां नूं आपां कहिंदे आ इंड्यूस्ड मूवमेंट्स, जो बॉडी दे अंदर अपने आप होण जिहदे लई सेल्फ फोर्सेस ने जिहड़ियां, या बॉडी अपने आप जिहड़ियां फोर्सेस ने वो लगांदी है, उहनूं आपां कहिंदे आ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज द अपने कोल है, अगर आपां मूवमेंट्स दी गल करिए तां मूवमेंट्स, अगर तुसीं केमिस्ट्री दे अंदर वी तां मूवमेंट्स पढ़दे हो, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਊਨੀਅਨ ਔਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਦ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਬ੍ਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਦ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਟੂ ਦ ਹਾਇਰ ਮੋਸਟ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਯੂਜਿਸ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, फर्स्ट वी हैव इज द नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स और सेकेंड वी हैव इज द मस्कुलर मूवमेंट्स। ठीक है, द नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। नाम तो ही क्लियर है, नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स मीन्स ओ मूवमेंट्स जो लिविंग्स के अंदर हो रही ने बट जिन्हों के अंदर मसल्स ने जेड़े वो इनवॉल्व नहीं है, मसल्स आर नॉट इनवॉल्व व्हेन सच काइंड ऑफ द मूवमेंट्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज द नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट्स जदों मसल्स ने जेड़ियां वो इनवॉल्व ने। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर देखो, अगर आप मसल की गल कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के अंदर बेटे टिश्यूज ना चार तरह के ने, तुसी क्लास नाइन्थ के अंदर पढ़े है, आप प्लस वन च भी पढ़ांगे सेकेंड यूनिट के अंदर। ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर, एपीथीलियल टिश्यू तुसी क्लास नाइन्थ च पढ़िया, ए वैसे इस चैप्टर दे नाल कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू नो कि जेड़ा मस्कुलर है मसल्स ने वो केड़े पार्ट दे अंडर आंदे है। तो चार टिश्यूज दे अंदर डिवाइडेड है, एपीथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, क्लास नाइन्थ याद आ रही होनी है कईयां नूं, नर्वस टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मसल्स ही है ना, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, अपनी बॉडी दिया मसल्स ही है ना,
The muscular tissue almost body the 45 to 50% part है जेड़ा वो muscles form कर दिया ने rest tissues ने जेड़े वो तीनों मिलके 50% ही form कर दिया तो these are the bones नू bones दे नाल join करना bones नू body दे नाल join करना these all are the muscles present in our body अपनी जिन्निया भी movements ने मेरी eye blink हो रही है मेरी tongue है जेड़े वो ता entirely muscle है वो बोल रही है ठीक है तो अपनी बॉडी अपने हैंड्स ने जेड़े फिंगर्स ने वो ग्रिपिंग कर रहे ने तो दीज ऑल आर द मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी तो दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज ठीक है तो मसल्स जेड़े मूवमेंट्स ने दे आर बिकॉज ऑफ द मसल्स आर कॉल्ड एज द मस्कुलर मूवमेंट्स एंड मस्कुलर मूवमेंट्स कितों दी आए ने मस्कुलर टिश्यू तो आए ने ठीक है बेटे तो टिश्यूज चार तरह के ने मस्कुलर टिश्यू तो मस्कुलर मूवमेंट्स ने जेड़ियां ओहो आंदियां ने ठीक है तो हुण आपां फर्स्टली डिस्कस करांगे नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स मतलब वो मूवमेंट्स जिन्हां दे अंदर मसल्स इन्वॉल्व नहीं होणगियां दे आर कॉल्ड एज द नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स देखो बेटे दो वर्ड्स होंदे ने एक वर्ड होंदे मूवमेंट्स मूवमेंट्स या मूवमेंट्स जिन्हों आप कहने हैं एक होंदे मूवमेंट बोलन च ए वी मूवमेंट ही आ जांदा है ठीक है मूवमेंट कई बार वी है जिहड़ा ओ आपां क्योंकि इहदी प्रोनंसिएशन दे अंदर वी नहीं आऊगा तो उन्हें कंफ्यूज नहीं करना स्पेलिंग्स के नाल ठीक है इन दोनों का मतलब एंटायरली डिफरेंट है मूवमेंट एंड मूवमेंट ठीक है नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स ओ मूवमेंट्स जिन्हां दे अंदर मसल्स इन्वॉल्व नहीं है गियां थोड़ा या तो साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है या सीलिया फ्लैजेला इन्वॉल्व ने दे आर कॉल्ड एज द नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स व्हेन द मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ए फर्दर डिवाइडेड ने बेटे फर्स्ट है बेटे अपने को प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीम यहां सेल चैप्टर के अंदर पढ़ के आए प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अपन ने पढ़े से दो तरह के सेल्स नाइन्थ च भी पढ़िया हुआ दो तरह के सेल्स ने यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स ने जेड़े क्योंकि आप कहने जनरली सिंगल सेल्ड होंगे ने अमीबा है वह सिंगल सेल्ड है ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ 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 ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਨੇ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਾਈਲ ਵੈਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ ਸੱਚ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਰ ਸੂਡੋਪੋਡੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੂਡੋਪੋਡੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ जनरली सूडोपोडिया वर्ड आंदा ना तो अपने दिमाग च आ जाता है कि अमीबा के अंदर जी मूवमेंट हो रही है ना कि उन्हें अपना फूड कैप्चर करना है वो अपने सूडोपोडियास नू अगे करता है और फिर फूड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने ये फूड के अराउंड आ जाते हैं एंड फूड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है बट जनरली आप सर्कुलेटरी सिस्टम किया टर्म पढ़ी सी डायापडेसिस ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੈਸਲ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਚੋਂ WBCs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਮੀਬੋਇਡ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਆਫ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੱਚ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਡਾਇਆਪਿਡੈਸਿਸ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਅਮੀਬੋਇਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੂਡੋਪੋਡੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਫਲੈਜੁਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਫਲੈਜੁਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
रेस्पिरेटरी सिस्टम दे अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक दे अंदर, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया दे अंदर आप कहने की फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, वो म्यूकस नो बाहर लेके आते हैं, ठीक है। इस तो इलावा फीमेल दिया फेलोपियन ट्यूब्स दे अंदर, एक उसी 10th क्लास च पढ़ के आए हो, प्लस 2 च भी पढ़ोगे, फेलोपियन ट्यूब दे अंदर भी अपने कोल की है इस तरह दिया स्ट्रक्चर्स ने जो कि फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजेलास आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स ने, मसल्स नहीं ने, ठीक है। तो वो की करते ने जो एग आ गया ओवरी चो तो एग नू अगे धक्का मारन च हेल्प कर दे। फ्लैजेलर मूवमेंट्स आर सीन इन द फिलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल ऑल्सो, दीज आर द नॉन मस्कुलर काइंड ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे अपने कोल सीलियरी मूवमेंट्स। सीलियरी मूवमेंट है जिहड़ी ओ स्पर्म दे अंदर देखण नू मिलदी है। स्पर्म दी जिहड़ी टेल हुंदी है उहनू आपां कहिंदे आ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दैट इज द सॉरी सीलियरी अपोजिट हो गया बेटे। सीलियरी स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां दीज आर सीन इन द फेलोपियन ट्यूब्स बिकॉज दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनू अपोजिट कर लियो। फ्लैजेलर स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द स्पर्म ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, उन्हें ट्रेवल करने हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस। एंड सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, दे आर प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब एंड अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो म्यूकस नो बाहर कढ़ने हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड इस तो इलावा जेडी फेलोपियन ट्यूब है वो अंदर सीलियाज ने जेडे एग नो पुश करन दे अंदर हेल्प करते। तो दीज आर क्योंकि ये दोनों प्रोटीनेशियस ने दोनों नु इकट्ठा ही पढ़ाया जाता, दैट इज वाई कंफ्यूजन हो गया। तो तुसी कंफ्यूजन नहीं करना, फ्लैजेलर आर सीन इन द स्पर्म ऑफ द ह्यूमन एंड सीलियरी आर सीन इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द ह्यूमन फीमेल, ठीक है। इस तो बाद है बेटे अपने को मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स ही गया, चार तरह दिया मूवमेंट्स ने अपने को ले दे अंदर सूडोपोडियल, प्रोटोप्लाज्मिक, सीलियरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट्स, ठीक है। हुन अपने को आ गया बेटे मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट्स की हो गया बेटे अपने को, वी हैव इज जो मूवमेंट्स मसल्स दी हेल्प दे नाल होनगियां उन्हां मूवमेंट्स नू आपां कहने आ मस्कुलर मूवमेंट्स। द मूवमेंट्स विच आर देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स आर कॉल्ड एज द मस्कुलर मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स दे अंदर फ्लाइट हो रही है तो उन्हां दे विंग्स दे अंदर फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट ने। ह्यूमन दे अंदर लिम्स ने, आपां चल भी सकदे आं, आपां हैंड्स नू शेक कर सकदे आं, आपां किसी चीज नू ग्रैस्प कर सकदे आं। तां अपनी बॉडी दे अंदर मैं हुणे ही दस्सिया 50% पार्ट है जिहड़ा अपनी बॉडी दा मसल्स ने जिहड़ियां ओह फॉर्म करदियां ने। तां मस्कुलर मूवमेंट्स ने जिहड़ियां बेटे ये अपनी बॉडी दे अंदर हुंदा किवें है, ये अपनी बॉडी दे दोनों फंक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों दे अंदर हेल्प करदियां ने। क्लियर है बेटे? तां मस्कुलर मूवमेंट दे थ्रू ही आपां चल सकते हैं, अपने जिहड़े फीट ने, अपनी जिहड़ियां बोन्स ने, वो मास दे नाल भी जिहड़ा मास है वो बोन्स नू बोन्स दे नाल ते बोन्स नू मसल्स दे नाल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिहदे करके आपां चल रहे हैं, जिहदे करके अपनियां जिन्नियां भी मूवमेंट्स ने मैं हुणे ही दस्सिया अपनी ब्लिंकिंग ऑफ आईज तो लैके होल्डिंग समथिंग, दीज ऑल आर द मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। सारे एनिमल्स दे अंदर हो रही ने, डॉग्स दे अंदर, इनसेक्ट्स दे अंदर, फिशेस दे अंदर, ठीक है, दीज आर द मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। इस तो इलावा आपां किंगडम एनिमेलिया किता उन्हां दे अंदर भी कुछ सिडेंटरी ऑर्गेनिजम्स हुंदे ने जिहड़े सी दे बॉटम दे नाल जुड़े रहिंदे आ, जिवें पोरीफर्स दे अंदर आपां पढ़ के आए आ, तो उन्हां दे अंदर भी मस्कुलर मूवमेंट्स ने जिहड़ियां ओह हुंदियां ने, ठीक है। एक जगह ते खड़े खड़े ही मूवमेंट करदे रहिंदे ने, ठीक है, बट दैट इज वी कैन से द सिडेंटरी जिहड़े एनिमल्स ने उन्हां दे अंदर भी मूवमेंट्स हुंदियां ने, ठीक है। इस तो इलावा है बेटे अपने कोल वी कैन से कि जिहड़ा मसल्स ने जिहड़ियां उन्हां दीआं एडवांटेजेस की ने। अगर मान लो अपनी बॉडी दे अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स नहीं आउणगे तां आपां किसी भी चीज नूं पकड़ नहीं पावांगे, आपां लोकोमोट नहीं कर पावांगे, आपां फूड नहीं सर्च कर पावांगे, ठीक है। इस तो इलावा देखो इहदा सिर्फ तुहानूं दिख रहीआं ने मूवमेंट्स, अपनी बॉडी दे अंदर भी तां मूवमेंट्स हो रहीआं ने। इनसाइड द बॉडी देखो आपां स्टमक दे अंदर करके आए हां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स दे आर बिकॉज ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द स्टमक, इंटेस्टाइन दे अंदर करके आए हो मसल्स, ठीक है।
सारे दे सारे ऑर्गन्स ने जेड़े दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स इनसाइड द बॉडी, तो किन्ने सारे फंक्शंस ने जेड़े ओ अपनी बॉडी दिया मूवमेंट्स दे अंदर हेल्प कर रहे ने, तो अपनी बॉडी दे अंदर बेटे मूवमेंट्स ने जेड़िया मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ने जेड़े ए दो तरह दे अंदर डिवाइडेड ने, मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जिदे अंदर तुहाडीआं लिम्स आ गईआं, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आई आ गया जो आपां नूं दिख रहे हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर मैं तुहानूं हुणे ही दस्सिआ दैट इज द अपने स्टमक दीआं मूवमेंट्स, इंटेस्टीन दीआं मूवमेंट्स, किडनी के अंदर जो अपने कोल चल रहा फंक्शन परफॉर्म करती है किडनी, तो अपने कोल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू वेज, मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट है, किसी के अंदर पैराबॉडियाज ने, किसी के अंदर फुट प्रेजेंट है, लिम्ब प्रेजेंट है, किसी के अंदर एंटीनास प्रेजेंट ने सेंसेशन ले, किसी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट्स आते हैं, इंटरनल मूवमेंट्स के अंदर अपने को किया गया जिहड़े अपने वाइटल ऑर्गन्स ने उन्होंने अंदर जो फूड है वह नीचे जा रहा है, रेस्पीरेटरी ट्रैक के अंदर फ्लो ऑफ एयर है जो जा रहा है, वजाइना के अंदर जो एक मदर है जी, देखो सब तो स्ट्रोंगेस्ट मूवमेंट है जो एक मदर की बॉडी के अंदर एक बेबी है जो बंद है, तो उन्होंने मदर की बॉडी मस्कुलर मूवमेंट्स के थ्रू ही बाहर भी पुल कर रही है, तो दैट इज द स्ट्रोंगेस्ट मूवमेंट एवर इन आवर बॉडी की पुलिंग ऑफ ए यंग वन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, ठीक है, तो दीज आर द इंटरनल सॉर्ट ऑफ द मूवमेंट्स, उदो यूटरस दे फीमेल दे यूटरस दे अंदर मूवमेंट्स ने जड़ियां वो चलदियां ने, दैट इज द इंटरनल मूवमेंट्स, ठीक है। हुन बेटे मसल्स ने जड़ियां ए तीन तरह दियां हुंदियां ने, मसल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, वी हैव इज स्ट्राइएटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, क्लास नाइन्थ के अंदर आई थिंक सो पढ़ के भी आए हो ना, स्ट्राइएटेड मसल्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं आपां स्केलेटन मसल्स भी कह दिंदे आ, ठीक है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं आपां नॉन स्केलेटन मसल्स भी कह दिंदे आ एंड या स्मूथ मसल्स कह दिंदे आ, थर्ड है बेटे अपने कोल कार्डियक मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स एंड वॉल्यूंटरी मसल्स, जो द मसल्स विच आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विल, जे मैं अपना हैंड उपर करना है देन आई कैन, नहीं करना तो आई कैन नॉट, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, जिहड़ियां मसल्स वॉल्यूंटरी या स्केलेटल मूवमेंट्स नो, जो मेरे स्केलेटन दिया मूवमेंट्स ने उन्होंने अंदर हेल्प करनगियां, तो उन्होंने आप कहने स्ट्राइएटेड मसल्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल्स, जो मेरिया मूवमेंट्स दे अंदर, मेरे लोकोमोशन दे अंदर, मेरे बॉडी दे पार्ट्स दिया मूवमेंट्स दे अंदर हेल्प कर रही ने, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। इस तो इलावा मेरे को सेकेंड है बेटे नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है, नॉन स्ट्राइएटेड मीन्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हो गया, आपां सो रहे हैं, आपां मतलब सपोज मैं इत्थे एक एग्जाम्पल लैनी हां, आपां ने सडनली एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जिम जाना शुरू किया, पहले आपां नूं हैबिट नहीं सीगी, मैंने एक एक्सरसाइज की फॉर द 10 मिनट्स, आई गॉट फटीक्ड, मैं थक गई, मैंने बंद करता काम, मैंने कहा नहीं भी इस तो बाद मेरे तो नहीं हो सकता, तो यह मेरी विल दे अंडर हो गया ना, मैं नहीं चाहिया तो मैं नहीं कर रही, ठीक है। बट देखो सेकेंड एग्जाम्पल है इतने आ जाओ स्ट्राई नॉन स्ट्राइएटेड नो अपने को आ गया, इन्हों विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, जेकर मान लो सपोज आप बहुत जोर जोर की भज के आए हाँ, हूँ उस तो बाद आपने थोड़ी देर रेस्ट लिया, आप दोबारा भजना है, लत्तां जवाब दे सकदियां ने, लेग्स ने जिहड़ियां वो कह सकदियां ने भी असी टायर्ड हाँ थोड़ी देर होर रेस्ट करो, ठीक है, बट की हार्ट कह सकता है कि मैनू थोड़ी देर रेस्ट करा दो, अगर हार्ट ने पंप करना बंद करता देन पूरी की पूरी बॉडी ही बंद हो जूगी, तो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स ने जिहड़ियां ये अपनी विल दे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकदियां। दो मैं तुहानू एग्जाम्पल कार्डियक मसल की दिती है, बट वो हार्ट है जिहड़ा वो कार्डियक मसल के अंदर आ जाता है बेटे, इत्थे आपां कोई भी वाइटल ऑर्गन होर कंसीडर कर लैंदे आ, कि सपोज मेरी बॉडी के अंदर मेरी किडनी यूरिन फॉर्म कर रही है, एट द सेम टाइम किडनी तो नहीं ना कह सकती कि मैं रात नूं सोंदे टाइम यूरिन नहीं फॉर्म करूंगी, मेरा स्लीपिंग टाइम है, नो, ठीक है, ऑल्दो उन्हां दा स्पेस स्लो हो
हो सकता है बट उन्हां नूं काम करना ही पैंदा है। कार्डियक मसल ज्यादा स्पेशलाइज्ड मसल्स उन्हां नूं कदे भी थकना नहीं पैंदा। हार्ट हैज टू पंप ऑल द टाइम्स 24/7 हार्ट ने अपना वर्क करना ही करना है। ओ अपनी मूवमेंट नो इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज नहीं कर सकता। इंक्रीज मतलब अगर तुसी भज रहे हो तो ओदी एफिशिएंसी नो इंक्रीज हो सकता है बट उस तो बाद वो अपने सेम पेस ते ही वर्क करूगा। ए नहीं है कि अपना कहूगा मैं वो स्लोली काम कर ला तुसी सो रहे हो ओनू 72 टाइम्स जिहड़ा बीटिंग टाइम है वो तो देना ही पऊगा उस तो स्लो नहीं जा सकता। सच सॉर्ट ऑफ द मसल्स आर कॉल्ड एज द कार्डियक मसल्स। ठीक है बेटे तो इस तो इलावा अपने को मूवमेंट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बेटे जिवें हाइड्रा है अपने को इना दे अंदर है बेटे हाइड्रोस्केलेटन होंगे जो कि जिदे अंदर आप कह सकते लोंगिट्यूडनल मसल सर्कुलर मसल प्रेजेंट ने जो कि पानी जिवें मैं हुणे कहा कई सिडेंटरी होंगे ने पानी के अंदर हाइड्रा है जो एक जगह से खड़ा है तो उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स ने उस जगह पे खड़ा खड़ा ही अपने टेंटिकल्स नू अपनी मसल्स नू शेक करी जा रहा है। तो सच काइंड ऑफ द मूवमेंट्स आर सीन इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जिवें अर्थवॉर्म है अर्थवॉर्म के अंदर भी जिहड़ी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ने सीटे ने उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन होंदिया ने तो ऑर्गेनिजम है जिहड़ा वो अगे 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 वधना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटे तो इस तो इलावा अपने को लैंड वर्टीब्रेट्स के अंदर भी तीन तरह दी मूवमेंट्स ने अमीबॉइड मूवमेंट्स सिलरी मूवमेंट्स एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। अमीबॉइड मूवमेंट्स ने जिहड़ियां वो आपां नूं किन्हां दे अंदर देखण नूं मिल रही ने बेटे जिवें मैक्रोफाजस ने ल्यूकोसाइट्स ने मैं ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल भी देती अमीबा के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट्स ने। ठीक है सिलरी मूवमेंट्स अपने को कित्थे ने बेटे मैं हुणे ही दस्सिया अपनी वी हैव इज अवर रेस्पीरेटरी सिस्टम के अंदर सिलरी मूवमेंट्स हो गया एंड मस्कुलर मूवमेंट्स कितने प्रेजेंट ने अपने को मस्कुलर मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स। ठीक है जो भी अपनी जॉज ने टेंडन्स ने लिगामेंट्स ने बोन्स ने इन्हों के अंदर अपन के मूवमेंट्स देखने मिलती ने मस्कुलर मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन सच। ठीक है नैक्सट है बेटे अपना प्रॉपरली मस्कुलर सिस्टम है जोड़ा वो शुरू हो जाता है। ठीक है हूँ अपने अज अपने सिर्फ बेसिक्स बेसिक्स डिस्कस किए ने कि लोकोमोशन की है मूवमेंट की बेसिकली आप एम्फेसाइज किए मूवमेंट के उपर क्योंकि आप फर्स्ट मसल्स डिस्कस करांगे मूवमेंट्स डिस्कस करांगे फिर मूवमेंट्स ने जिहड़ियां उन्होंने आप डिवाइड करता नॉन मस्कुलर के अंदर ते मस्कुलर के अंदर। नॉन मस्कुलर के अंदर आप चार तरह के मूवमेंट्स पढ़ लिया सिलरी फ्लैजलरी इस तो इलावा अमीबॉयड एंड प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स। ठीक है फिर अपने मस्कुलर मूवमेंट्स पढ़न तो पहले अपने क्या अपनी बॉडी के अंदर टिश्यूज ने जो चार तरह के ने जिदे चो मस्कुलर टिश्यू है जिहड़ा वो मस्कुलर मूवमेंट्स नू फॉर्म करता है। ठीक है तो 40-50% पार्ट ऑफ द बॉडी है जिहड़ा मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टिश्यूज इज मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर अपने को पहला तो मूवमेंट्स दो तरह दिया ने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स दिया मूवमेंट्स एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स दिया मूवमेंट्स। ठीक है एक्सटर्नल जो अपना लोकोमोशन दे अंडर आ गया इंटरनल जो अपनी मूवमेंट्स दे अंडर आ गया अपन हिलना नहीं पै रहा बैठे बैठे ही काम चल रहे हैं दैट इज द इंटरनल। ठीक है फिर आपने किया कि मसल्स ने जिहड़ियां वो तीन तरह दिया ने स्ट्राइएटेड मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स एंड वी हैव इज द कार्डियक मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स जिन्हों आप वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहने अज बेटे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अज वाली क्लास चो ही डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइएटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स या अपने को स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन भी सीगा प्लस वन के अंदर भी इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाली मसल्स थक जांदियां ने इन्हां दे अंदर आप कह सकते हैं दे हैव इन्हां दे अंदर फटीग नहीं होंदा फटीग इन्हां च भी नहीं होंदा इन्हां दे अंदर फटीग होंदा दे गेट फटीग दे डोंट गेट फिटिंग बट दे नेवर गेट फिटिंग दे कदे भी नहीं थकते। ठीक है बाकी इन्हां दे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ने वो हुण आपां कल दी क्लास दे अंदर मसल स्टार्ट करांगे मसल दी इंटरनल स्ट्रक्चर मसल दीयां स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां वो डिस्कस करांगे फिर मैं तुहानूं तीनों दे अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ने जिहड़े वो भी करा दूंगी तां अज तुहानूं तीनों दे अंदर डिफरेंसेस ने जिहड़े वो तुहानूं जिन्ने डिफरेंसेस आपां अज डिस्कस कीते वो सारे तुसीं रिटन फॉर्म दे अंदर करके आओगे नेक्स्ट क्लास दे अंदर। ठीक है बेटे तो दैट वी हैव इज द नेक्स्ट अपने कोल है बच्चे मसल सिस्टम है जिहड़ा वो स्टार्ट हो गया। तो मसल दे अंदर है बेटे मैं एक दस दी हाँ मसल दे अंदर बहुत सारिया प्रॉपर्टीज होनिया चाहिए ने एक्सटेंसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन इलास्टिसिटी। ठीक है एंड इलेक्ट्रिकल जिहड़ा है अपने कोल वी हैव इज द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी
मसल दे अंदर अगर ये चारों मूवमेंट्स प्रेजेंट ने देन अ मसल इज सेड टू बी अ गुड मसल। ठीक है, तो मतलब अगर ये चारा चो कोई भी मिसिंग है तो अपनी मसल्स का कोई ना कोई काम है जेड़ा ओहो पूरी प्रॉपरली ओहो नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द फोरमोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द मस्कुलर सेल्स और द मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो आप कल बेटे मस्कुलर सिस्टम या मसल सिस्टम है जेड़ा इनू स्टार्ट करांगे। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਦ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ।